हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। और दोस्तों, आज के इस इवनिंग सेशन के अंदर हम लोग क्विक अपडेट लेंगे, BTC के ऊपर लेंगे और इथेरियम के ऊपर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम BTC की बात करते हैं। तो BTC की जो प्राइस मूवमेंट है, धीरे धीरे नीचे की तरफ है। और हमेशा से कहता हूँ कि जब इस तरह की साइड वेव चले, तब बेटर ये रहता है कि बड़े टाइम फ्रेम को पकड़ के चलिए। यानी कि 4 आवर चार्ट को अगर पकड़ के चलते हैं, तो वहाँ पर आपको एक अंदेशा आराम से मालूम पड़ जाएगा कि किस तरफ की मूवमेंट ज़्यादा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर थे जब मैंने ये चार्ट आपके सामने दिखाया था कि ये छोटे ट्रायंगल को हम वेट कर रहे हैं, इसको तोड़ा, फिर ये ट्रायंगल आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखते हैं कि लोअर हाइज बनाते हुए जा रहा है, इसने इसको तोड़ा, फिर आ गया हमारा एक बड़ा सिमेट्रिकल ट्रायंगल आया, उस ट्रायंगल ने भी इसको रोक नहीं पाया इस मोमेंट को, और प्राइस नीचे की तरफ आया। ये जो था पर्पल लाइन, दैट इज़ द क्रिटिकल सपोर्ट जोन था, जो मैं कहता था कि ये टूटना नहीं चाहिए, लेकिन प्राइस ने इसको बहुत तेज़ी से सुबह 5:30 बजे के तड़के में इसको तोड़ दिया, नीचे की तरफ आया। हिट एंड बाउंस कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ। ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं रेड कलर की, एग्जैक्टली उसी को टच किया। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन को टच होता है? इसलिए होता है क्योंकि वो होती है लिक्विडेशन प्राइस। लिक्विडेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप अपने कंधे से भार को धीरे धीरे हटाओगे नहीं, तो आप ज़्यादा लंबा नहीं चल सकते। ठीक है, आपको वज़न हल्का करना पड़ता है, चाहे आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ। वही बिटमैक्स यूज़ करता है, और बिटमैक्स के अंदर की और भी बहुत खबरें, वो अलग से मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल इसको टच करके ये ऊपर की तरफ आया है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, और सुबह मैंने बताया था कि ये जो पैटर्न है एग्जैक्टली इस पैटर्न से मेल खा रहा है। यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल आया है, उसके बाद से प्राइस नीचे आया है। यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल आया है, सुबह आपको भेजा था सर्कल करके, और यहाँ पे एक रेड कैंडल स्टार्ट हो गया है। तो अब यहाँ से कहाँ जा सकता है, बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ, वक्त ज़्यादा नहीं है, कि प्राइस जो है अब इसको अगर तोड़ देगा तो हमारे पास कोई सपोर्ट जोन नहीं है, मेजर सपोर्ट जोन कोई नहीं है, सिर्फ एक बहुत कह सकते हैं कि नाजुक सपोर्ट जोन्स है, जो कि ग्रीन लाइन्स हैं, 9400 के आसपास हो सकता है, और उसके बाद 8500 या 8600 के आसपास आप कह सकते हैं, और उसके बाद जो एक है 7600 का है। ठीक है, वैसे ये बहुत कमज़ोर सपोर्ट जोन्स हैं, इनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मत पकड़िएगा। और एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं हमारे पास, वो आ जाता है लगभग इस रेंज पे, 6400 के आसपास आता है, और उसके बाद 5600 के आसपास आता है। अब लोग बहुत सारे ये बोलेंगे, सर उतना नीचे नहीं आ सकता है। मैं भी आप लोग की तरह ये कहूँगा कि उतना नीचे नहीं आ सकता है। 8500 भी बहुत मायने रखती है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, लेकिन मुझे चार्ट्स के अंदर उतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं दिख रही है। ओके, तो नेवर माइंड, आई डोंट थिंक कि इतना नीचे आएगा, लेकिन BTC क्रिप्टो के अंदर हम कुछ कह नहीं सकते, तैयारी करके रखनी पड़ती है। नीचे आएगा तो जो हमने ऊपर के रेट पे बेचे हुए हैं, वापस से BTC बाई बैक करेंगे। काम यह है BTC जो है उसको बढ़ाना है हमें। ठीक है, तो टाइम विल टेल कि एग्जैक्टली ये कहाँ से कहाँ आता है। ट्रेडिंग करना है तो कैसे करें? ट्रेडिंग करने का बहुत सिंपल सा तरीका यही है अभी फ़िलहाल, ये कि ट्रेंड को फॉलो कीजिए और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखिए। ओके, और वो मैं आपको ट्विटर पे बताते रहता हूँ और टेलीग्राम पे भी मैं बताते रहता हूँ, तो प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और इथेरियम के बारे में यही कहूँगा कि इथेरियम ने जो अपना 200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया था। ओके, और अभी भी फ़िलहाल उसको ऊपर चल रहा है, 206 के आसपास चल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और यहाँ से अगर ये 206 से ऊपर की तरफ रहता है, और बिटकॉइन भी धीरे धीरे मजबूती के साथ ऊपर की तरफ आता है, तो इथेरियम जो है वो इजीली 250 का टारगेट ज़रूर टच कर लेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से 228 डेट इज़ ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, उसके बाद 250 260 मेजर रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करेगा तो आराम से 280 290, तो ये सारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, तो वी शुड गो वन बाय वन, और लॉन्ग टर्म में देखना है, 4 आवर चार्ट को पकड़ के खींचिए, स्कैल्पिंग करना है 5 मिनट्स, 15 मिनट और 1 आवर का चार्ट देखिए। ठीक है, तो ये था एक क्विक अपडेट्स ऑन BTC और इथेरियम। इसके बाद कुछ और अपडेट्स आएंगे तो ज़रूर आपको बताऊंगा। ओवरऑल BTC का ट्रेंड नीचे की तरफ है, तो बी केयरफुल विथ योर शॉर्टिंग, या आप लॉन्ग कर रहे हैं तो इन पार्ट्स करिए, लैडर पोजीशन लीजिए। ठीक है, और लेवरेज जो है कम रखिए, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रखना, क्योंकि अभी आप इधर विक्स देखेंगे, लंबी लंबी विक्स आएगी, जो होगी स्टॉप लॉस हंट होगी या लिक्विडेशन हंट होगा। ठीक है, तो उससे बच के रहना। ठीक है, तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, रीट्वीट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसके बाद और भी जो अपडेट्स होंगे ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।